लिए कुर्ला की गैंग है और इन्होंने हमारे यहाँ पे मारुति इको कार चोरी करके जिसको तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे और भी ऐसे जगह पे जाकर के वहाँ पे उन्होंने बेचा था। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के तहत रबाले कोपरखैर में खारघर कामोठे में साल 2021 में इको कार चोरी की वारदात में बढ़ोतरी हुई थी। इसी दिशा में जांच करते हुए एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी की अधिक जानकारी देने हेतु नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय द्वारा पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह के माध्यम से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि कुर्ला के एक गिरोह ने नवी मुंबई से इको कार चुरा कर उसे तमिलनाडु के तिरची, चेन्नई, कोयम्बटूर जैसे अलग अलग जगहों पर बेचा था। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, नवी मुंबई आयुक्तालय में जो क्राइम ब्रांच है उसमें यूनिट 1 के इंचार्ज हैं सीनियर पीआई सुनील शिंदे और उनकी जो टीम है ये हमारे एडिशनल सीपी महेश और डीसीपी सुरेश मेंगड़े साहब, एसीपी वस्त, इनके सबके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम किया है। जो एक गैंग है, बेसिकली कुर्ला की गैंग है और इन्होंने हमारे यहाँ पे मारुति इको कार चोरी करके इसको तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे, चेन्नई में, त्रिची में, कोयम्बटूर में और भी ऐसे जगह पे जाकर के वहाँ पे इन्होंने बेचा था। और टीम ने इसमें जो टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना, सीसीटीवी फुटेज है कि वहाँ मोबाइल के बारे में कि वहाँ और भी जो इनके पास इन्फॉर्मेशन थी। आगे उन्होंने अपराधियों द्वारा चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों की जानकारी दी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 12 अन्य मामलों का खुलासा हुआ है। ये जो जो डीजल टैंक का जो लॉक है, पेट्रोल टैंक का, वो लॉक और स्टीयरिंग लॉक एक ही है, तो ये पहले वो खोल करके उसके अंदर से लॉक निकाल के जाते थे और उसमें उसको कंप्यूटराइज तरीके से उसकी चाबी बना के लाते थे और फिर उसके बाद में गाड़ी चुरा के जाके बाहर बेचते थे। और इसमें जो 3 आरोपी हैं अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से जो उस्मान सैयद है उसके ऊपर मेरे ख्याल से 12 केसेस पहले से ही दाखिल हैं। उस्मान अहमद सैयद कुर्ला का रहने वाला है, शाहनवाज नज़ीर अहमद शेख ये भी कुर्ला का है, अब्दुल सलाम मोहम्मद शेख ये भी कुर्ला का है, और भी इसमें कुछ आरोपी अभी अरेस्ट होने बाकी हैं। और उस्मान सैयद जो है इसके ऊपर पहले भी 12 केसेज हैं इसी तरह के कार चोरी करने के और भी आरोप गुना के। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इन 12 मामलों में 4 नवी मुंबई से, 6 मुंबई से एवं 2 थाने से संबंधित है। टोटल हमने 12 केसेज हमारे डिटेक्ट हुए हैं इसमें, और उसमें 4 हमारे नई मुंबई आयुक्तालय के हैं, 6 जो है मुंबई आयुक्तालय के हैं और 2 जो थाने आयुक्तालय के किसे हैं। तो ये टोटल करीब 54 लाख की अभी प्रॉपर्टी हमने रिकवरी की है। जो 9 गाड़ियां हैं, 6-6 लाख एक एक गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।